रामपुर से ट्रांसफ़र हुए अधिकारियों का आज विदाई समारोह किया गया। रामपुर के सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र और रामपुर के अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी का आज विदाई समारोह हुआ। इस विदाई समारोह में रामपुर के समस्त अधिकारियों ने शिरकत की, जिसमें रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार, रामपुर के अपर जिला अधिकारी प्रशासन JP गुप्ता सहित समस्त अधिकारियों ने आज दोनों ही अधिकारियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी और उनके कार्यों की जमकर तारीफ भी की। आपको बता दें कि पिछले दिनों रामपुर के सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र और रामपुर के अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी का रामपुर से ट्रांसफ़र हो गया था। अब दोनों ही अधिकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी रहे राम भरत तिवारी ने क्या कहा, आप सुनिए। कहना चाहेंगे आज भी ताकि आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ से माननीय अधिकारी महोदय उपस्थिति में सम्मान समारोह विदाई का आयोजन किया गया। यहाँ लगभग 4-7 से अधिक कार्यकर्मी, सभी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, तहसील के कर्मचारी, सभी अधिकारीगण का बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग इस अवध में रहा है, जो जीवन भर याद रहेगा। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो उनके साथ की दायित्व हैं, उनका समय से निर्वहन करते हुए इस जनपद को पूर्व की भांति हमेशा अग्रसर रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है और सभी के लिए शुभकामनाएं। कहाँ जा रहे हैं सर अब? यहाँ से जनपद स्थानांतरण हमारा सीतापुर के लिए हुआ है, तो वहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो वहाँ के जो हमारे साथ की दायित्व होंगे उनको पूरा किया जाए। सर, 4 साल के कारागाल में ऐसा खास दिन कौन सा रहा होगा, कुछ थोड़ा बहुत काम में? शासकीय जीवन में अधिकारियों के और कर्मचारियों के हमेशा जो है सारे दिन खास होते हैं, और हमेशा उनकी मनसा यही होती है कि हम किसी भी जो व्यक्ति है जिसकी मदद कर सकें, जिस दायित्व के लिए हैं, वो हम पूरा करते रहें। मैंने खुद भी प्रयास किया और लोगों से अपेक्षा भी की कि प्रतिदिन के हिसाब से जिसकी भी अपनी मदद कर सकते हैं वो करें और अपने कार्यों को संपादित करें। ठीक है, धन्यवाद। रामपुर में विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों का अवलोकन भी किया गया, और उसके उपरांत विशेष बात यह है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का सम्यक और अनिवार्यतः पालन किया गया और आगे भी यही सुनिश्चित किया जाएगा। अब सर कहाँ जा रहे हैं आप? जनपद मैनपुरी। तो आखिरी बार क्या कुछ खास संदेश? कोरोना के चलते बस यही है कि अपना अपना परिवार का